खबर उत्तर प्रदेश हरिद्वार से। कल देर शाम सिंडकुल थाना क्षेत्र अंतर्गत कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा दवा कंपनी में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर कई लोगों को घायल कर दिया, जिनको तत्काल मेट्रो अस्पताल ले जाया गया। सनसनीखेज घटना की सूचना मिलते SSP हरिद्वार द्वारा तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर बदमाशों की गिरफ्तारी है तो तत्काल टीमें गठित करना है तो निर्देशित किया गया था। साथ ही मेट्रो अस्पताल पहुंचकर घायलों के हाल चाल जाना। SSP के कड़े दिशा निर्देशन पर पूरे जनपद में नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाशी में जुटी हरिद्वार पुलिस को लगभग 12 घंटे के बाद सफलता हाथ लगी। सुबह लगभग 7:30 बजे हर्बल चौक पर सिंडकुल पुलिस को चेकिंग के दौरान एक बुलेट मोटरसाइकिल पर 3 संदिग्ध आते दिखाई दिए, जिनको रोकने का प्रयास किया गया, जो पुलिस की कड़ी चेकिंग को देख कर चिन्मय कॉलेज की तरफ भागे। पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल का पीछा करने पर बाईं तरफ कच्चे रास्ते की ओर भागकर कुछ दूरी पर मोटरसाइकिल फिसलने से नीचे गिर गए एवं पुलिस पर फायरिंग की, जिस पर पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायरिंग में 2 व्यक्तियों के पैर में गोली लगी। वह तीसरा व्यक्ति झाड़ियों का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। कल देर शाम सिडकुल क्षेत्र में एक फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें एक फैक्ट्री में फायरिंग के दौरान 6 लोगों जो है जर्ड हुए थे, उनको पुलिस ने तत्काल हॉस्पिटल में भिजवाया था। उसी के बाद से ही ये जो फरार जो अभियुक्त थे, ये लगातार फरार चल रहे थे और पुलिस इनके लिए लगातार चेकिंग कर रही थी, इनके वेयरबॉट्स को चेक किया जा रहा था। आज सुबह भी जब चेकिंग बदस्तूर जारी चल रही थी तो हरिद्वार में चिन्मय डिग्री कॉलेज के पास में चेकिंग के दौरान ये आते हुए दिखाई दिए और इनके द्वारा जब पुलिस से बचने का प्रयास किया गया और पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की गई तो इनके द्वारा फायरिंग की गई। दोनों अभियुक्त, इसमें 2 अभियुक्त जो हैं, इनके द्वारा भागने का प्रयास किया गया। पुलिस ने जब इन्हें रोकने की कोशिश की तो इनके द्वारा फायरिंग में, पुलिस के द्वारा मुठभेड़ में ये 2 लोग घायल हुए हैं। इनको तत्काल हॉस्पिटल में भिजवाया गया है, जहाँ इनका उपचार चल रहा है। और जो कल का जो घटनाक्रम था, उसमें आज 2 लोगों की अरेस्टिंग अभी की गई है। इसमें और भी अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी भी अरेस्टिंग इसमें कर दी जाएगी। मैं इसमें ये भी आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा, इस प्रकार के जो घटनाक्रम हैं जो सीधे तौर पर पुलिस को चुनौती देते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी इसमें लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। और मैंने समस्त अपने क्षेत्राधिकारी और समस्त थाना इंचार्जों को बताया है, इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। इसमें एक आयुष तोमर नाम का एक व्यक्ति है, जिस पर पूर्व में भी अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें 307 के और अन्य अभियोग भी हैं। इनके और वेयरबॉट्स हम लोग पता कर रहे हैं, जल्दी इनके जो और अगर इनके ऊपर और अभियोग के ऊपर और भी अगर अभियोग हैं तो इस पर पुलिस के द्वारा गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।